अस्सलाम वालेकुम जी, कंसल्टी साइट एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त अगर हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की, तो जैसे जैसे आपकी टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही हैं तो लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड भी कर रहे हैं, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी वो इस चीज़ की शायद आगाही नहीं रखते कि हमारे पास ऐसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती है मार्केट में जहाँ उनको किसी किस्म के टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई भी टैक्स उन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होगा, जस्ट उन्हें एक डाउन पेमेंट पे करनी है, उसके अगेंस्ट उनकी फाइल रेडी होगी और बाकी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू करके वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेंगे जिसमें नो ट्रांसफर फी, नो टैक्स, नो स्टैम्प ड्यूटी, नो आपको एडवांस इनकम टैक्स पे करना होगा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पंजाब की वन ऑफ दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम इस वक्त देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में तो वो कौन सी है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो वो इनकेस आपको किस सूरत में मिलेगी, या अगर नहीं हो रही है तो उसमें आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट है, ये तमाम तर सिनेरियोस आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे पंजाब की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। आप किसी भी रियल इस्टेट सेक्टर की कोई भी मार्केट को आप उठाकर देख लें, आप DHA को उठाकर देख लें, आप बहरिया को उठाकर देख लें, या कोई भी आप मार्केट को इस वक्त उठाकर देख लें, इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको उस प्रोजेक्ट की, उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की हाइप क्रिएट देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल भी आपको उसमें देखने में आ रहा है। व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ दी लाहौर का एक प्रोजेक्ट जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर फ्यूचर ऑफ लाहौर के एरिया में बनने वाला एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा लोगों का फुटफॉल देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों की आमतरफ उधर देखी जाएगी और सबसे ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन भी आने वाले वक्त में उस गेटेड कम्युनिटी में देखने में आएगी। व्यूअर्स, अगर लाहौर की बात करें तो ये ओजी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। ओजी बेसिकली आपकी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पाकिस्तानी कंपनी है जो इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज में अपने तकरीबन 16 बिजनेस इस वक्त रन कर रहे हैं। ओजी डेवलपर्स की बात करेंगे तो व्यूअर्स, इन्होंने बहरिया ऑर्चर्ड के फेस फोर में रियल एस्टेट सेक्टर में अपना पहला कदम रखा। बहरिया ऑर्चर्ड के फेस फोर में टॉलेस्ट प्रोजेक्ट बहरिया स्काई मुतारिफ करवाया जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के ऐसे मरहल पर है जिसने लाइक उसके सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको टफ टाइम दिया, सबसे ज़्यादा आपको उसकी कंस्ट्रक्शन देखने में आई है फास्ट ट्रैक पर। 2023 और 2024 के मिड तक अगर हम एक एनालिसिस की बात करेंगे, खासकर हमारी ओवरसीज कम्युनिटी की बात करेंगे, तो 90% जो इन्वेस्टर्स और ओवरसीज कम्युनिटी और इसी के साथ साथ लोकल जो कम्युनिटी आपकी, उनकी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स देखी गई हैं वो हमारे ओजी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट बहरिया स्काई और लाहौर स्काई में देखने में आई हैं। व्यूअर्स, लाहौर स्काई की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन आपको बिल्कुल मेन फिरोजपुर रोड पर मिल रही है। जैसे ही आप कलमा चौक से टूवर्ड्स कसूर की तरफ मूव करते हैं तो मेट्रो बस का लास्ट स्टेशन जहाँ आपको रिंग रोड का इंटरचेंज मिलता है, वहाँ से हार्डली आपको 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पर राइट साइड पर आपको लाहौर स्काई की लोकेशन देखने में आती है। लाहौर स्काई लोकेशन की बात करेंगे तो इटसेल्फ बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। इसकी सराउंडिंग में अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो आपको यहाँ बहरीन शेमन जैसी सोसाइटी मिलती है, सेंट्रल पार्क सोसाइटी मिलती है, पाम सिटी मिलती है, ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी मिलती है और रेहान गार्डन फेज 2 और काफ़ी आपको छोटी बड़ी सोसाइटीज़ अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने में आती है। एक अच्छी खासी आबादी उधर रह रही है जिनको आज की डेट में इस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पास कोई ना कोई नियर बाय में शॉपिंग एरिया हो जहाँ वो जाकर शॉपिंग कर सकें। लाहौर स्काई की बात करेंगे तो ये 73 कनाल के एरिया पर मुश्तमिल एक 100% LDA अप्रूव्ड कम्युनिटी है, एक वर्टिकल कम्युनिटी है जिसमें 6 टावर्स आएंगे, जिसमें भी वेरी फर्स्ट टावर लॉन्च किया गया है 20 कनाल के एरिया पर। 20 कनाल के एरिया पर मेन फिरोजपुर रोड के फेसिंग में वेरी फर्स्ट टावर लॉन्च किया गया है जिसकी यूनिकनेस की बात करेंगे तो हर एक किस्म की यूनिकनेस इसमें लिखी गई है। अगर बात करेंगे इसके फ्रंट एलिवेशन की तो बहुत खूबसूरत इसकी फ्रंट एलिवेशन है, इस तरह की आपको एलिवेशन पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं देखने में आएगी। ब्लॉक प्लस कैंटिलीवर डिज़ाइन के साथ ये आपको बनाकर दिया जा रहा है, जिसमें एक और अगर हम यूनिक पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ आपको मिल रहा है DFO, वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में DFO डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट किसी मॉल में मुतारिफ करवाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे एक और बड़ी ज़बरदस्त जो इसमें यूनिकनेस दी गई है वो STZA अदारे की जानिब से जो एक अनाउंसमेंट की गई थी सितंबर 2023 में कि अगर किसी भी डेवलपर्स के पास 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कवर्ड एरिया होता है और वो
आईटी के लिए मुख्तस करता है तो उनके लिए अगले 10 साल तक किसी किस्म का कोई टैक्स उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आया कि वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं या कोई भी आपका बिजनेस है, किसी भी किस्म की आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको आईटी पार्क में खासतौर पर किसी किस्म का आपको टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ आपको स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट और पेंट हाउसेज, आपको अल्ट्रा लग्जरी आपको पेंट हाउसेज मिलने वाले हैं। लाहौर स्काई की बात करेंगे तो हर लिहाज से एक यूनिक प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन लाहौर, राइट नाउ इन पंजाब, राइट नाउ इन पाकिस्तान, हर लिहाज से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब करके आने वाले वक्त में एक जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसको टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। लाइक अगर हम पहले ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां आपको मिलने वाले हैं कमर्शियल आउटलेट्स जिसमें आपको DFO प्लस आपको फूड कोर्ट के एरियाज मिलने वाले हैं और प्लेइंग एरियाज मिलने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड ब्लॉक की तो उसमें आपको जो मिलने वाला है व्यूअर्स वो आपको आईटी पार्क मिलने वाला है। थर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट, पेंट हाउसेज और इसके अलावा अगर हम फोर्थ ब्लॉक की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स प्लस आपको पेंट हाउसेज मिलने वाले हैं। व्यूअर्स ये वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपका लाइफ स्टाइल चेंज करके रख सकती है, जिसमें हर एक किस्म की फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जिम, स्पा, सोना, जॉगिंग ट्रैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, हॉस्पिटैलिटी भी आपको यहीं मिलने वाली है। तमाम तर आपको ज़रूरतें ज़िंदगी की ज़रूरियात जो भी आपकी फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको तमाम तर यहाँ मिलने वाली हैं। फिर अगर आप इसमें एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ कोई अपार्टमेंट भी परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ 2 सूरत में ही यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा इस कम्युनिटी से। या तो आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर स्कूल की तरफ जा रहे हैं या तो आप अपने जॉब के पर्पज़ से यहाँ से एग्जिट लेकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल तमाम तर फैसिलिटीज़, तमाम तर एमिनिटीज़ आपको एक ही वर्टिकल कम्युनिटी में मिलने वाली हैं। व्यूअर्स यही वजह कि यह इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, एक वर्टिकल कम्युनिटी, 100% LDA अप्रूव्ड कम्युनिटी जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आपको आने वाले वक्त में एक ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। व्यूअर्स ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें अगर आपके पास स्पेयर फंड्स सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 लाख है, अगर आप मिनिमम इंस्टॉलमेंट 66,000 या आप 86,000 के इन बिटवीन या 1 लाख तक भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं तो आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट होगा। व्यूअर्स ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बार बार नहीं आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आज आपके पास चलकर आई हुई हैं, कल को ये अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा चलकर आपके पास नहीं आएंगी। लाहौर स्काई में अगर आप फूड कोर्ट एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% आपको रिकमेंडेबल रहेगी। फूड कोर्ट बेसिकली आपकी किसी भी शॉपिंग मॉल की जान होता है, वो फ्लोर सबसे ज़्यादा उस फ्लोर से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अगर आप भी फूड कोर्ट एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो स्टिल अच्छी लोकेशन अवेलेबल हैं जिनको आप बाय करके आने वाले वक्त में एक अच्छा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं या एक अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो DFO, आप अपना कोई ब्रांड मुतारिफ करवाना चाहते हैं, अपना कोई ब्रांड का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप DFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई कमर्शियल आउटलेट परचेज करके अपना कोई आउटलेट जो है वो यहां लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं आईटी पार्क की, अपना कोई आईटी का बिजनेस रन करना चाहते हैं या अगर आप या किसी बड़ी कंपनी को अपना ऑफिस जो है वो रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप उसको रेंट आउट करके एक अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपको रिकमेंड रहेंगे क्योंकि इसमें वो फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी जो आपको लाहौर के किसी भी अपार्टमेंट्स में नहीं दी जाएंगी। सो व्यूअर्स आपको 100% रिकमेंडेबल है कि इस वक्त अगर हम लाहौर की ना सिर्फ पंजाब की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो वो लाहौर का प्रोजेक्ट है जिसमें 3DB प्रॉपर्टीज आपको हाईली रिकमेंड करता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आने वाले वक्त में आप टैक्सेस से बच सके, आपको मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको इनिशियली कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना, ना एडवांस इनकम टैक्स, ना आपको ट्रांसफर फी पे करनी है, ना आपको स्टैम्प ड्यूटी टैक्स पे करना है, बल्कि जस्ट आपने डाउन पेमेंट पे करनी है, उसके अगेंस्ट आपकी फाइल रेडी होगी और आप एक 100% LDA अप्रूव कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। व्यूअर्स अगर आपको लाहौर स्काई के वाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जाना चाहते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई इसमें ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप एनी टाइम मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। फर्दर व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ, नेक्स्ट ऐसे ही बेस्ट ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस, हमारी अपडेट्स सबसे पहले पहुंचते रहें आप तक। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।